स्वागत है आपका टुडे करंट अफेयर्स में। शुरू करते हैं आज का प्रश्न। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2024 का थीम क्या है? ए स्वयं और समाज के लिए योग, बी समाज के लिए योग, सी करे योग रहे निरोग, डी योग में युवा योगदान। आंसर ए स्वयं और समाज के लिए योग। एक्सप्लेनेशन। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस प्रतिवर्ष 21 जून को मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस योग के विशेष अवसर पर होने वाले योग आयोजनों और गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए एक विशिष्ट थीम अपनाया जाता है। साल 2024 का थीम स्वयं और समाज के लिए योग, योगा फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी है। अगला प्रश्न। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में किन फसलों के लिए MSP में वृद्धि की है? ए रबी, बी खरीफ, सी ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर बी खरीफ। एक्सप्लेनेशन। सरकार ने खरीफ सीजन 2024-25 के लिए 14 फसलों के MSP को मंजूरी दी है। धान, कपास, बाजरा, दलहन और तिलहन के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में उल्लेखनीय वृद्धि होने से किसानों को लाभ होगा। धान का नया MSP 2300 रुपये किया गया है, जो पिछली MSP से 117 रुपये अधिक है। कपास का नया MSP 7131 और एक दूसरी किस्म के लिए 7521 रुपये पर मंजूरी दी है, जो पिछली MSP से 501 रुपये ज्यादा है। अगला प्रश्न। दक्षिण पूर्व एशिया में कौन सा देश समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला पहला देश बनने वाला है? ए मलेशिया, बी फिलीपींस, सी थाईलैंड, डी वियतनाम। आंसर सी थाईलैंड। एक्सप्लेनेशन। थाईलैंड दक्षिण पूर्व एशिया का पहला राष्ट्र बनेगा जिसने समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता दी है। राज्य के सीनेट ने 18 जून को विवाह समानता बिल को मंजूरी दी, जिसके बाद समर्थकों ने इसे LGBTQ जो अधिकारों के लिए एक ऐतिहासिक कदम कहा। अभी थाईलैंड के राजा की औपचारिक मंजूरी लेनी होगी, इसके बाद इसे लागू किया जाएगा। ताइवान द्वारा 2019 और नेपाल में 2023 में समलैंगिक विवाह को वैध बनाने के बाद विवाह समानता की अनुमति देने वाला थाईलैंड एशिया में तीसरा देश बन जाएगा। अगला प्रश्न। फिनलैंड में वर्ल्ड एथलेटिक्स कॉन्टिनेंटल गोल्ड टूर में पुरुषों की भाला फेंक में स्वर्ण पदक किसने जीता? ए ओलिवर हिलैंडर, बी टोनी केराना, सी थॉमस रोहल्ला, डी नीरज चोपड़ा। आंसर डी नीरज चोपड़ा। एक्सप्लेनेशन। ओलंपिक और विश्व चैंपियन नीरज चोपड़ा ने 18 जून 2024 को फिनलैंड के तुर्कु में पावो नुरमी स्टेडियम में विश्व एथलेटिक्स कॉन्टिनेंटल गोल्ड टूर में पुरुषों की भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीता। उन्होंने कल रात 85.97 मीटर के सर्वश्रेष्ठ प्रयास के साथ 8 पुरुषों के बीच शीर्ष स्थान हासिल किया। फिनलैंड के टोनी केरानन ने रजत, जबकि उनके हमवतन ओलिवर हिलैंडर ने कांस्य पदक जीता। अगला प्रश्न। नए आपराधिक कानून भारतीय न्याय संहिता, भारतीय सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम कब लागू होंगे? ए 1 जनवरी 2024, बी 1 अप्रैल 2024, सी 1 जुलाई 2024, डी 1 अक्टूबर 2024। आंसर सी 1 जुलाई 2024। एक्सप्लेनेशन। नए आपराधिक कानून भारतीय न्याय संहिता, भारतीय सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1 जुलाई 2024 को लागू होंगे। नए आपराधिक कानूनों द्वारा IPC, CRPC और भारतीय साक्ष्य अधिनियम को प्रतिस्थापित किया जा रहा है।